कल खाने में बीड़ी निकली थी, जली हुई। यहाँ कभी पंखा चला नहीं? कब से नहीं चला? बहुत दिन हो गए। दूध कभी पीने को मिलता है? नहीं नहीं मिलता। खाना कैसा मिलता है खाने में? अच्छा नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता है। जिला हाथरस के सासनी ब्लॉक के गांव नगला पतुआ में मौजूद है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय नगला पतुआ, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और लगातार शिक्षा के मंदिर के नाम पर सरकार लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। कायाकल्प के नाम पर इस वर्ष में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। अब इस स्कूल के अंदर चलते हैं और इस स्कूल की व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्कूल की व्यवस्था क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर एक मिड डे मील का जो रोस्टर है वो लगाया गया है, और इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि क्या क्या किस दिन क्या देना है बच्चों को खाने के लिए। इसमें दूध और फलों का जिक्र है जो दूर दूर तक बच्चों के पास नहीं आते। पिछले 2 महीने से इस स्कूल के अंदर कोई भी फल नहीं पहुँचे, कोई भी दूध नहीं पहुँचा। किसी बच्चे को दूध नहीं मिला, किसी बच्चे को फल नहीं मिले। और यहाँ और तो और जो कल मिड डे मील आया, उस मिड डे मील के अंदर खाने के अंदर बीड़ी निकली, जली हुई बीड़ी उस खाने के अंदर निकली, जिसके बाद बच्चों ने खाना भी नहीं खाया और उस खाने को फेंक दिया गया। अब इस स्कूल के एक बार अंदर भी चलते हैं और इस स्कूल के अंदर के हालात हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर फिटिंग हो रखी है और इस फिटिंग के बाद भी यहाँ पर लाइट नहीं है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पंखा लगा है और इस पंखे में लाइट नहीं है। तो लगातार सरकार की तरफ से व्यवस्था तो उपलब्ध कराई गई, पर वो व्यवस्था कितनी चालू है और कितनी चालू नहीं है ये कभी अधिकारियों के द्वारा देखा ही नहीं गया। तो बेटा यहाँ कभी पंखा चलता है? क्या नाम? नहीं, नैना। नैना, यहाँ कभी पंखा चला? नहीं। कब से नहीं चला? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ। खाना कैसा मिलता है खाने में? अच्छा नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता है। कब से अच्छा नहीं मिला? कभी अच्छा ही नहीं मिलता है। कभी अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, दूध कभी पीने को मिलता है? नहीं नहीं मिलता। खाना फल? नहीं, फल भी नहीं मिलते। अच्छा, कल क्या हुआ था तुम्हारे मिड डे मील में? कल खाने में बीड़ी निकली थी, जली हुई। जली हुई बीड़ी निकली और उसके बाद खाना फेंक दिया, किसी ने नहीं खाया? नहीं। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम बेटा? तनिष्का। तनिष्का, गर्मी लगती है? गर्मी लगती है, पंखे नहीं चलते। टीचर से बोलते हो कभी कि सर पंखा चलवा दो? बोला? क्या कहते हैं सर? नहीं कहते हैं। और खाना कैसा मिलता है तुमको? बेकार। बेकार मिलता है। अब आप सोचिए कि वो जो माँ बाप जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा के दम पर अपने बच्चे को पढ़ाकर एक बड़ा अफसर और बड़ा अधिकारी बनाने का जो प्रयास करते हैं, आखिर वो क्यों इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब यहाँ इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ अगर ऐसे खिलवाड़ होगा तो वो क्यों यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्योंकि यहाँ बिजली के नाम पर तो लाइट नहीं लगी है, यहाँ पंखा लगा है तो ये पंखा कभी चलता नहीं है, और गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है और बच्चे यहाँ बेचारे गर्मी में पढ़ते हैं। तो आखिर ऐसे क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा? सरकार आखिर अब तक क्यों सोई है? सरकार अब तक क्यों नहीं जागी? क्यों सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों अधिकारियों के कान पर जूं अब तक नहीं रहेंगी कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको सुधारा जाए और जिससे बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो? यहाँ प्रधानाचार्य हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? नरवेश कुमार। सर, ये जो पंखे लगे हैं जी, लाइटें नहीं लगी हैं जी। अच्छा, जब बिजली नहीं आती है तो पंखे क्यों लगे हैं? ये तो फिटिंग पहले ही हो चुकी थी। पहले ही हो चुकी थी? हाँ, पहले हुई थी, ये कनेक्शन बाद में हुए हैं। अच्छा, इस समस्या से का क्या समाधान है? कब से ये समस्या है, बिजली की जो फिटिंग है वो कब से हो रखी है और कब से बिजली नहीं मिली, ये बताइए। ये फिटिंग तो करीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले? अच्छा, और कनेक्शन बाद में हुए हैं, इसलिए प्राथमिक विद्यालय इसमें कनेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं। अभी तक हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं। मतलब परेशानी तो आपको भी होती होगी, गर्मी में बच्चों को पढ़ाना पड़ता होगा। जी, जी, जी। आपकी भी ये एक समस्या होगी कि गर्मी में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों की भी समस्या है कि गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी शिकायत कभी आपने कभी डीएम से, कभी किसी अधिकारी से, शिक्षा के से करने का? सक्षम अधिकारी हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय होते हैं, उनको भेज दी गई है। जी, क्या बोला उन्होंने? अभी कोई चार्ज नहीं किसी के पास, तो अभी कोई है नहीं, यहाँ आ जाएंगे नए, तब वो देखेंगे, तब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कि लगातार सरकार जो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे, जो स्कूलों के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च करने की बात जो सरकार करती है,
वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल खोखले हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं नन्हे नन्हे गरीब बच्चे ही यहाँ पर पढ़ते हैं। जो सक्षम होते हैं वो प्राइवेट स्कूल का दरवाजा ही खटखटाते हैं, क्योंकि उसका जो सीधा सा कारण है कि ये इन स्कूलों में ना तो शिक्षा मिलती है बच्चों को, ना स्वास्थ्य मिलता है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर लगातार कई जगह टीचर्स भी लापरवाही करते हुए आप देख सकते हैं कि कई जगह टीचर भी लापरवाही करते हैं। तो यही स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो मिड डे मील के नाम पर खाने में गिड़ार और ये सब निकलता है, तो बच्चे आके खाएंगे क्या? अगर उसको खा लेंगे तो इनके स्वास्थ्य के साथ क्या होगा? ये कहीं सोचने वाला सवाल है। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सरकार ऐसे प्राथमिक विद्यालय और ऐसे स्कूलों पर ध्यान दे जिससे गरीब बच्चों का भी भविष्य बन सके। जय हिंद, वंदे मातरम।